हेलो जी, रोहित ट्रैवल से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। जो रिजॉर्ट बुक किया है, मैं थोड़ा सा रिजॉर्ट के बारे में बता दूँ आपको, फीचर्स बता दूँ रिजॉर्ट के। हाँ बताइए क्या है। इंटरनेट पे भी देख सकते हैं क्योंकि बेस्ट डील मुझे यही मिल पाई है आपकी पूरी फैमिली के लिए। इस रिजॉर्ट में एक तो ढंग के कमरे हैं, 10x12 के कमरे हैं। ओके। हर कमरे में सर एक एक 4x6 का ब्लैक बोर्ड है। राइट, ब्लैक बोर्ड। लेट मी टेल यू सर, और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हर ब्लैक बोर्ड के साथ एक एक डब्बा है जिसमें पूरी नई चॉक्स रखी हुई है सर। एक डब्बे में आपको कॉम्प्लीमेंट्री 15 चॉक्स मिलेंगे। कमरे से बाहर निकलते ही सर आपको फिजिक्स लैब मिलेगा, बायो लैब मिलेगा। तीन कदम के बाद क्या बोल रहे हैं? जैसे ही आप फिजिक्स लैब से आगे जाएंगे सर, वहाँ पे जो घंटा बजाने वाला होता है वो टंगा हुआ मिलेगा आपको। बेस्ट पार्ट ये है, इस रिजॉर्ट में आपको क्ले हाउस देंगे। वो जो क्ले हाउस होते हैं ना, क्ले से बच्चे खेलते हैं, तो पूरा एक उसका घर बना रखा हमने ताकि बच्चे इजिली खेल लेंगे वहाँ पे। सर शाम में आपको गार्डन में घुमाने के लिए पीटी टीचर खड़े हुए मिलेंगे, अपॉइंट करा दिए, तो पीटी टीचर ही लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। सर क्या ये स्कूल की डिस्क्रिप्शन क्यों दे रहे हैं मेरे को? मैं रिजॉर्ट जा रहा हूँ, मैंने उसकी बुकिंग की है, स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, तो मेरे को स्कूल की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं? एग्जैक्टली, आई नो कि आपका स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है। जब हम किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आजकल हो क्या रहा है, एक गरीब आदमी जब स्कूल के एडमिशन के लिए जाता है उसको ऐसे बताया जाता है, हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है, हमारे स्कूल में फुल्ली एयर कंडीशन बसेज हैं, फुल्ली एयर कंडीशन लैब है। तो मुझे भी ये लगता है जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं कि यार हम स्कूल में एडमिशन लेने आए या किसी रिजॉर्ट में आ गए। सर असल में ये हो ही रहा था कि दिल्ली काफी परेशान थी स्कूल के एडमिशन को लेकर, तो बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती थी कि प्रॉब्लम क्या है, बच्चे का एडमिशन हो क्यों नहीं रहा। तो कई लोगों ने बताया भाई फीस बहुत ज्यादा है। मैंने उनसे पूछा फीस बहुत ज्यादा क्यों है, तो स्कूल वालों ने उनको बताया बहुत ज्यादा यूं है क्योंकि हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है, क्योंकि हमारे स्कूल में स्पा सेंटर है, क्योंकि हमारे स्कूल की बसेस फुल्ली एयर कंडीशन है, क्योंकि हमारे स्कूल में क्ले हाउस है जहाँ पे बच्चे सिर्फ क्ले से खेले। सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के एडमिशन इस चक्कर में नहीं होते क्योंकि इतना पैसा नहीं दे पाते, हमें स्विमिंग पूल की जरूरत नहीं है, बच्चे जब बारिश होगी तो उसमें एंजॉय कर लेंगे, क्ले हाउस की जरूरत नहीं है, उसके पैसे मत लीजिए, इससे अच्छा वो मट्टी में खेल लेंगे। सिर्फ जरूरत है ना तो अच्छी एजुकेशन की, उस पे पैसा लगा दीजिए आप। अब मिसाल के तौर पे सर आप बहुत जहीन इंसान हैं क्योंकि आप एक स्कूल चलाते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, स्विमिंग पूल ना बना के उस पैसे से आप कुछ क्लासेस और बना दीजिए ताकि हर बच्चा पढ़ ले। ज्यादा बच्चों के पढ़ने से फायदा है या कुछ बच्चों के नहाने से फायदा है? सर स्पेशल क्लासेस होती है डांस की जिसके पैसे लिए जाते हैं, और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि पैसों के चक्कर में, एडमिशन के चक्कर में माँ बाप डांस कर रहे हैं, कब से नाच रहे हैं, भाग रहे हैं कि एडमिशन हो जाए। क्ले हाउस बनाने में लाखों रुपए खर्च होता है, तो इससे बेहतर है कि बच्चों को मट्टी में खिला दीजिए, उस क्ले हाउस के पैसों की क्लासेस बनवा लीजिए ताकि और बच्चे पढ़ सकें। बोल कौन रहे हैं? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, मैं यहाँ से गया क्या, यहाँ तो आफत हो गई है ना। नवेद देखिए ऐसा है कि ये सिर्फ मैं तो नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे हैं, इसी बात का तो अफसोस है कि सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर स्कूल से यही कर रहे हैं। आप कहाँ से पढ़े हुए? मैं से पढ़ा हूँ। आपके स्कूल में स्विमिंग पूल था? नहीं, वहाँ नहीं था ना, तो आज आप इस लायक हैं कि खुद स्कूल चला सकते हैं, लेकिन अब आपको पता नहीं क्या हो गया, जब ऐसे स्कूल से आप खुद पढ़े थे तो क्या जरूरत है इन चीजों की। जितने स्कूल्स चल रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जरूरी नहीं है कि थोड़े से बच्चों को नहाना मिल जाए स्विमिंग पूल में, हर बच्चा एजुकेशन अच्छी ले सके, जरूरी नहीं है कि थोड़े से बच्चे क्ले हाउस से खेल सके, हर बच्चे को एक क्लास के नीचे सीट मिल जाए पढ़ने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि कुछ बच्चों के लिए एसी चल जाए। इस बात को सोचिएगा जरा प्लीज, है ना। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आपके जरिए अब आप आगे तक बात पहुंचा दीजिए, और जितने लोग सुन रहे हैं ये बात आगे तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि काफी लोगों का करियर बन जाएगा, माँ बाप बहुत परेशान है बच्चों के एडमिशन के लिए। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि एक होटल में, एक रिजॉर्ट में ये स्कूल की चीजें क्यों आ रही हैं, और आप भड़क गए थे। ऐसे ही उन माँ बापों को अजीब सा लगता है कि स्कूल में ये रिजॉर्ट की चीजें क्यों आ रही हैं, हमें पढ़ाना है सिंपल, बच्चों को आगे बढ़ाना है। आप प्लीज समझ गए मेरी बात, बुरा मत मानिएगा प्लीज। मैं सोचूंगा इसके बारे में। आप तो सोचेंगे, लेकिन मैंने सोच लिया है दिल्ली है, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से क्या गया, अजीबो गरीब चीजें होने लगी, अब हर चीज को मिलकर सॉल्व करेंगे, हंसी के साथ, मजाक के साथ, गुस्सा नहीं। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक रेडियो मिर्ची पर आप अगर मेरा साथ देंगे ना, तो मैं मर मिटूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।